नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल ऑल फ्रॉम अप्लाई में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक और जॉब अपडेट लेकर हाजिर हूँ, जो कि पटना एम्स द्वारा आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीपर्पस वर्क, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहे, मैं बताऊंगा कि आपका इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, कितने पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि दोस्त इस चैनल पर आपको सटीक और सही जानकारी ही दी जाती है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूं, खुद फॉर्म अप्लाई करता हूं, इसलिए सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वीडियो बनाकर आप लोग के बीच लाता हूं। तो दोस्तों, इसका अप्लाई आपको 19 फरवरी 2021 से आपको 24 फरवरी 2021 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फॉर्म आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। टोटल पोस्टों की संख्या इसमें आपको 18 पोस्ट के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए हर पोस्ट के लिए आपको अलग क्वालिफिकेशन और अलग डेट ऑफ बर्थ यानी एज रखा गया है। दोस्तों, आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको बीएससी होना चाहिए, और वही रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपको एमएससी रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपको टाइपिंग आना चाहिए। वही दोस्तों, आपको मल्टीपर्पस वर्क के लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या आपको 10वीं पास होना चाहिए, वो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों, आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको 30 ईयर एज रखा गया है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 30 ईयर एज रखा गया है, मल्टीपर्पस के लिए आपको 30 ईयर और रिसर्च असिस्टेंट के लिए 30 ईयर आपका एज रखा गया है। इसमें और भी पोस्ट है दोस्तों, आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो उसके अनुसार इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका इंटरव्यू डेट भी दिया गया है, जो कि आपको मल्टीपर्पस वर्क के लिए आपको 26 फरवरी 2021 को इंटरव्यू होना है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 27 फरवरी को, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको 26 फरवरी और रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपको 25 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। अगर ज्यादा जानकारी और नोटिस आपको प्राप्त करनी है तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से जाकर डाउनलोड करके आप सारी जानकारी प्राप्त करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खास जॉब अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।